Hello dear parents and students, in this video we will discuss about career mentorship program. So basically हम सबसे पहले बात करते हैं जो कि स्कूल स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है कि एक स्टूडेंट को जितने भी करियर फील्ड्स हैं अवेलेबल उनके बारे में अवेयरनेस नहीं होती. वो कुछ ही करियर फील्ड्स के बारे में जान पाता है, जैसे डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, UPSC सेक्टर हुआ, CA हुआ. ये जो मोस्ट फेमस सेक्टर्स हैं इन्हीं के बारे में अपने आप को एक स्टूडेंट एक्सप्लोर कर पाता है या इनके बारे में जान पाता है. बट एक वाइड रेंज करियर फील्ड्स होते हैं जिनके बारे में स्टूडेंट को पता नहीं होता, जिससे वो अपना पोटेंशियल उन फील्ड में लगा भी नहीं पाता. सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि यदि स्टूडेंट ने कोई करियर गोल डिसाइड कर लिया कि हमें इस करियर गोल को अचीव करना है, तो उसके बारे में उसको अवेयरनेस नहीं होती कि इस करियर गोल को अचीव करने में मेरे को क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उनका सॉल्यूशन मैं किस तरह से ढूंढ सकता हूँ, या किन किन स्किल्स और नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ की उस पर्टिकुलर करियर फील्ड के रिगार्डिंग हमें नीड है. तो इन प्रॉब्लम का एक स्टूडेंट को सामना करना पड़ता है. थर्ड एक प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट के साथ कोई मेंटर नहीं होता, कोई गाइड नहीं होता जो कि उस करियर पाथ को अचीव करने के लिए स्टूडेंट की हेल्प कर सके. तो इन सब प्रॉब्लम्स का एक स्टूडेंट को सामना करना पड़ता है. इससे यदि हम एक स्टूडेंट की बात करें तो उसको कुछ लॉस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट का सपोज पोटेंशियल किसी दूसरे फील्ड में था, उसमें वो बहुत अच्छा कर सकता था, बट उसको टाइम पर उसके बारे में पता ही नहीं था कि इस करियर फील्ड में भी मैं जा सकता हूँ. तो इससे स्टूडेंट का जो 100% पोटेंशियल है वो यूज़ नहीं हो पाता. दूसरा प्रॉब्लम लॉस स्टूडेंट का ये होता है कि स्टूडेंट ऐसे करियर फील्ड को अचीव करने में लग जाता है जिसमें उसका पोटेंशियल नहीं था या उसका इंटरेस्ट नहीं था, जिससे स्टूडेंट का टाइम वेस्ट होता है और वो अपने आप को सक्सेस भी नहीं कर पाता. इस तरह से कुछ लॉसेज स्टूडेंट को देखने पड़ते हैं. अब जो करियर मेंटरशिप प्रोग्राम है उसके बेनिफिट्स के बारे में बताता हूँ कि एक स्टूडेंट को उससे क्या बेनिफिट होने वाला है. तो इससे करियर मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या होगा, स्टूडेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल अपने स्कूलिंग के ड्यूरिंग, जैसे स्टूडेंट 9th, 10th, 11th, 12th क्लास में है, उसी के ड्यूरिंग उसको जितने भी करियर फील्ड्स हैं उन सब के बारे में बताया जाएगा कि वो करियर फील्ड्स कैसे अचीव कर सकते हैं, उनके लिए कौन कौन से एग्ज़ाम देने होंगे, एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, अकेडमिक्स की रिक्वायरमेंट है या नॉन अकेडमिक एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट है उस करियर गोल को अचीव करने के लिए. तो इस वे में एक स्टूडेंट जितने भी करियर फील्ड्स हैं उन सब के बारे में जान लेगा. उसके बाद स्टूडेंट के पास सबको वाइड रेंज में एक्सप्लोर करने के बाद एक अपॉर्चुनिटी होगी कि उनके जो अकेडमिक्स और स्किल्स हैं वो कौन सी करियर फील्ड के लिए फिट बैठते हैं, या उनका जो इंटरेस्ट है वो कौन से फील्ड में लेकर निकल के आता है, जिससे वो उसको एक्सप्लोर करेगा तो उसकी जो सक्सेस के चांसेस हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे. तो स्टूडेंट कंप्लीट करियर फील्ड्स को एक्सप्लोर करेगा, उसके बाद उसने जो डिसाइड कर लिया है कि मेरे इंटरेस्ट और स्किल्स के अकॉर्डिंग ये करियर फील्ड है, उसके रिगार्डिंग उसको इन डेप्थ बताया जाएगा कि अब आप इस पर्टिकुलर जो करियर फील्ड है उसको में जाने के लिए आप किस तरह अपने आप को परस्यू कर सकते हैं. अब नेक्स्ट चैलेंज स्टूडेंट के सामने ये है कि करियर फील्ड डिसाइड कर लिया, उसके बाद उस पर जो चैलेंजेस है उनके बारे में जान लिया, बट उनका सॉल्यूशन किस तरह हो, तो उसके लिए स्टूडेंट के पास एक पर्टिकुलर करियर फील्ड का एक्सपर्ट मेंटर होगा जो कि उस फील्ड में आने वाले चैलेंजेस और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन के लिए ऑलवेज स्टूडेंट के साथ अवेलेबल रहेगा, जिससे स्टूडेंट को इस जर्नी में कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े. अब इससे स्टूडेंट का बेनिफिट कुछ इस तरह होगा कि स्टूडेंट एक तो अपने इंटरेस्ट के करियर फील्ड को एक्सप्लोर कर रहा है, जिससे उसके सक्सेस होने के जो चांसेस है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे. इसी के साथ जो वो बिना इंटरेस्ट के करियर फील्ड में अपना टाइम वेस्ट करने वाला था वो टाइम उसका कहीं ना कहीं बच जाता है, जिससे उसके जो सक्सेस का टाइमिंग था वो कम हो जाता है, कम समय में वो अपने करियर गोल को अचीव कर सकता है. इसी के साथ स्टूडेंट का जो सक्सेस रेट था वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंटरेस्ट की चीज़ को करने में टाइम कम लगता है और हम उसको ज़्यादा जल्दी सक्सेड कर पाते हैं. तो स्टूडेंट अगर आप अपने इंटरेस्ट का काम करेगा तो उसको जो टाइम इंटरवल लगने वाला है वो भी कम लगेगा और इजीली उसको अचीव कर सकता है, जिससे स्टूडेंट्स का जो सक्सेस रेट है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट एक ही करियर फील्ड के पीछे पड़े हैं चाहे उनका इंटरेस्ट था या नहीं था, तो उनके जो सक्सेस रेट है वो क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं कम. अब दूसरा चांस ये है कि अपने पास जो 100 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पहले ही अपने इंटरेस्ट और स्किल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग डायरेक्शन चूज कर रखे हैं, तो जो करियर फील्ड्स के ऑप्शंस हैं वो क्या हो गए, वाइड रेंज हो गए इस 100 स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके जो सक्सेस रेट है वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी. तो मेंटरशिप प्रोग्राम की ये कुछ बेनिफिट्स स्टूडेंट्स को मिलने वाले हैं. थैंक यू.